आज मेरी ज़मीन की टीम पहुंची है पत्तों की, और पत्तों की में आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी इंडस्ट्री है। आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी इंडस्ट्री के मुतालिक बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल शरीफ है और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन यूट्यूब चैनल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल है। और आज हम अपने अगले सेगमेंट में आए हैं पत्तों की नर्सरी में, जो कि पाकिस्तान की हब की हैसियत रखता है, पाकिस्तान की मशीयत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और आज हम मौजूद हैं अल इमरान नर्सरी में, जिसके ऑनर हैं शौकत लाला। शौकत लाला ने पाकिस्तान की इस खूबसूरत इंडस्ट्री को, यानी कि पत्तों की इंडस्ट्री को, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे प्लांट्स दिए हैं, बहुत सारे पौधे दिए हैं जो कि नए नए। आपको पता होगा कि सन 70 से, यानी 1970 से पहले हमारे लोकल पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब हज़ारों इकसाम मौजूद हैं। और उसको कैसे आगे वो फैलाते हैं और फलता फूलता है ये पाकिस्तान, सरसब्ज पाकिस्तान होता है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं शौकत लाला के पास। आप देखते रहिए मेरी ज़मीन मेरा किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। शौकत लाला एक बहुत मशहूर नाम है पत्तों की नर्सरीज का। आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप वहाँ से कॉल करें या पत्तों की नर्सरी में आए तो शौकत लाला का नाम लें और आप इनसे मिल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नई वैरायटीज़ और खाम माल, हर चीज़ इनके पास तैयार होती है। और इनका कहना ये है कि जब से फ़्लाइट्स बंद हुई हैं, ये कोरोना आया है, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। पहले ही मसाइल थे, लेकिन एक मसला ये भी शुरू हो गया, हमारा महीने में 2-4 चक्कर जो हैं वो दूसरे ममालिक में लग जाते थे। अब आपने देखा कि प्लांट्स के अंदर, जैसे मिनी प्लांट्स है या बाकी है, उसके अंदर एक नारियल का एक लंबा सा बांस सा गढ़ा होता था, उसके ऊपर चढ़ता था पौधा। तो हमने देखा कि एक नई शक्ल जो ये आपको नज़र आ रही है, ये बन भी रहे हैं, ये लाला जी हमें दिखा रहे हैं, इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ है। और हमने पौधे भी देखे जिनकी लाइफ उस नारियल वाले से ज़्यादा अच्छी है इसके साथ। तो ये नीचे इसके PVC पाइप है और आपको ये गमले नज़र आ रहे हैं, इनके मुतल्लिक भी आप पूछेंगे। हमने आज तक क्ले पॉट ही देखा है, मिट्टी का गमला ही देखा है, तो ये इसके अंदर बेहतर होती है प्रोडक्शन प्लांट की क्या होता है। लाला जी हमें ये बताएं कि हमने आज तक क्ले पॉट ही देखे हैं, हम मिट्टी के गमले देखे हमने, ये आपको आइडिया कहाँ से मिला? ये जो मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि ये प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कि हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? अच्छा, मैंने इम्पोर्ट किया है और इसमें माल तैयार किया है और इतना अच्छा माल तैयार हुआ है और सबसे पहले सेल हुआ है। अच्छा, मिट्टी के गमले से, यानी कि पहले ये सेल हुआ है। आपने ये भी इम्पोर्ट किया पहले? इम्पोर्ट किया। अब भी इम्पोर्ट कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी हमारी लोकल मार्केट में ये बन रहा है और 50% लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बंदा शौकत लाला बाहर जाता है, बाहर से इम्पोर्ट करके चीज़ें लाता है, फिर लोकल इंडस्ट्री चलाता है। हालांकि इनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं है, ये गुजरांवाला में बंद में तैयार हो रहा है, रोजी रोटी लग जाती है। कैसे कैसे हीरे, कैसे कैसे स्टार हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमें क्यों नज़र नहीं आते? ये हमारा लोकल बना हुआ है, थाईलैंड का नहीं है। ये लोकल बना, बेहतरीन क्वालिटी और चल रहा है, ये उसी क्वालिटी का, उसी क्वालिटी का। वाह, क्या बात है, हमारी लोकल इंडस्ट्री कामयाब है, काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ये जितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्लांट्स को जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत इनका साथ नहीं, अगर हुकूमत इनका साथ दे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। अभी हम सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये जो प्लांट्स आपने देखे, हमें थोड़ा सा देखने वालों को दोबारा बता दीजिए लाला जी कि ये हमने कौन कौन से पौधे देखे थे पीछे? ये लेमन चाइना का है, ये लेमन चाइना का है, ये इसके अंदर मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, इसमें टोटल कोको पीट मीडिया है बस। अच्छा, और इसका वजन भी नहीं है। और पीछे हमने जो देखे, हमने ये गार्डिनिया देखा, गार्डिनिया देखा था आपने, ये देखें। अच्छा, इसके जो मर्जी उठाएं, इसके इसके ऊपर वाइट कलर के फूल आते हैं। अच्छा, इसकी भी बहुत डिमांड है दुबई में, दुबई में बहुत डिमांड है। वह पाकिस्तान में तो अभी पता ही नहीं है ना लोगों को, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता इसका। और ये भी बता दें, पाकिस्तान में ये 10 रुपए का पौधा है। अच्छा, पाकिस्तान में 10 का, दुबई हम 300 का दे रहे हैं। सही, और हमारी 10 रुपए वाली 300 में जा रही है। सही है, लेकिन वही बात है ना कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, गवर्नमेंट ये अपनी मदद आप खुद का कर। देखे ना जी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है ना,
बिल्कुल फायदा, और हमारी जो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मुयसर होगा। गवर्नमेंट आज तक हमें मीडिया नहीं दे सकी, मीडिया नहीं दे सकी, खाद यानी कि जो हमने इसमें डालनी है जी जी। वो श्रीलंका से हम लेके आते हैं, हॉलैंड से भी आती है, हमारी कास्ट ज्यादा हो जाती है। मजे की बात है कि गवर्नमेंट भी आपको मीडिया नहीं दे सकी और मीडिया ने भी आपका जो आम टीवी चैनल वाला मीडिया उसने भी आपकी आवाज नहीं सुनी। बहरहाल हम आपके साथ हैं, हम आगे चलते हैं और मजीद जो है हम जो इन्होंने इम्पोर्ट किए हैं प्लांट्स वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा लोकल माल्टा है। अच्छा, तो ये लोकल माल्टा बोलते हैं, ये भी देखें। अच्छा, ये भी मीडिया के अंदर है। ये भी मीडिया के अंदर है। अच्छा। और ये पौधा तैयार है और सितंबर में एक्सपोर्ट करना है हमें। अच्छा, ये भी एक्सपोर्ट। ये कौन से ममालिक में? दुबई के लिए। दुबई के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार्केट हमारी वो दुबई है। अच्छा, तो एक तो जैसे PIE अभी इन्होंने ग्राउंड की हुई है तो जो बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है आपको महंगा नहीं पड़ेगा? नहीं भाई, एक कंटेनर में जाएगा। ये कंटेनर में? कंटेनर। अच्छा, ओके, ठीक है भाई, सी जाए। कंटेनर कितने अरसे में पहुंच जाता है? 8 दिन में, टोटल 8 दिन लगते हैं। तो उसमें वो पौधा खराब नहीं होता? पौधा खराब यानी वो एयर टाइट होता है और AC होता है, मेरा ख्याल है। ठीक है, रेफर होता है और ये 8 दिन में पहुंच जाता है, ऐसे ही पहुंचेगा। एक दफ़ा हमें दोबारा बता दीजिए कि ये जो मीडिया है, जो मिट्टी की जगह पे आपने केमिकल कंपोजिशन वाला जो सोल्यूशन आपने डाला हुआ, इसको अपनी लैंग्वेज में बताइएगा क्या कहते हैं? ये नारियल है, हमारा नारियल की कोको यानी कोकोपीट है। कोकोपीट है, नारियल की बनी है, नारियल की खाद बनी। ठीक ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो लेबोरेटरी टेस्ट होगा तो पता चलेगा क्या है ये, यानी ये भी आप इम्पोर्ट करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये होती है। ठीक है जी, और हमें कोई ख़ास पौधा आप हमें दिखाएं जो बहुत ही ख़ास हो, जो ये भी ख़ास ही थे? ये भी ख़ास है, बस जो उनकी जो डिमांड है, जो चीज़ें वो ऑर्डर देते हैं। स्मेल चेक कीजिए, ये गार्डिनिया ही है, ये वेरीगेटेड है और इसकी खुशबू है। वाह, क्या बात है, अभी ये बिल्कुल अनमैच्योर फ्लावर है, ये मतलब वो सीज़न के बगैर निकला है अभी। ये वही अपना चमेली और उसकी फैमिली से मुझे लग रहा है ना, ये चमेली और रात की रानी, रात का दिन का राजा, इस तरह से मतलब उसकी उसी फैमिली से है ना, उसी फैमिली से। जी, आज हमें जो है वो मेरी ज़मीन चैनल देखने वालों को हम नई नई चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा मीडिया भी ये काम करता तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती थी, हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँचाई ही नहीं जाती। ये पहले हमने पौधे इम्पोर्ट किए हैं जी, बाद में हमने खुद तैयार किया, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई के लिए। वाह जी, ये भी दुबई के लिए तैयार है माल, ये भी दुबई के लिए माल तैयार है। सही हो गया, सही हो गया। तो इसके लोकल सतह पे आप इसकी प्रमोशन या इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? लोकल तो चल रहा है ना, लोकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अच्छा, हाँ जी, लोगों में अवेयरनेस आ रही है इसके? आ रही, आ रही है। ज़्यादातर कौन से लोग हैं जो खरीद के जाते हैं? हमारी होलसेल मार्केट ज़्यादा तो हमसे नर्सरी वाले लेके जाते हैं, वो आगे बताते हैं आगे फिर शहरों में। वो जो छोटी नर्सरियाँ हैं उनको आप समझाने के लिए कोई उनको लेक्चर या कोई इस तरह का आप उनको समझाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, या वो पूछना पसंद करते हैं या नहीं? नहीं, बस नहीं, नहीं, वो आए माल लिया और चले गए, बस उनको नहीं पता ये नहीं। कौन सा है या क्या है, वो अपना नाम रख के और वो बो जाता है बस दफ़ा वैसे ऐसे। सही। अच्छा, ये एक बड़ा ख़ास पौधा मुझे नज़र आ रहा है और इस तरह के मोल्ड करके इसको आप क्या कहते हैं? बोनसाई बोलते हैं, टपेरी, टपेरी बोल रहे हैं, टपेरी या बोनसाई इसको आप बोलते हैं। बोनसाई के ऊपर भी हम बात करेंगे इसके बाद, अभी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये लोकल चलने वाली चीज़। अच्छा, ये लोकल है, सही है। ये बड़े ख़ास पौधे, ये भी लोकल हैं? ये लोकल हैं, ये सब लोकल चल रहे हैं। अच्छा, ये हैं तो ज़ाहिर है सारे इम्पोर्ट हैं, बाहर से बार बार बाद में हम बात तैयार करते हैं, यानी ये पुराना हो चुका है ये ना, ये तैयार दिखाने उस साइड से तैयार है ना। अच्छा, ये एक दफ़ा हमें ये जो केज तैयार हो रहे हैं जी, इसको मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको कि ये बड़ी एक ख़ास चीज़ जो है ना ये बन रही है। ये तैयार हो के तकरीबन ये कितने का एक पड़ जाता है जी? पहले तो ये आता था थाईलैंड से, थाईलैंड से आता था। अच्छा, बहुत महंगा सेल होता था। इसको कहते क्या हैं? सराई बोल रहे हैं, सराई पोलैंड का नाम है और ये सराई बनी हुई बॉक्सेस, बॉक्सेस। ओके, फिर हमने कोशिश की, हमने खुद तैयार करना शुरू कर दिया। सही। अभी हम खुद तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यानी इसको आप किसी भी सुराई कह लें, घड़ा कह लें, या जग में जो बनाएंगे डिजाइन देंगे वो चल जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये तकरीबन एक जो है ये सुराई कितने की? ये हम 3500 की सेल कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो तो फिर उसी हिसाब से, वो तो फिर टाइम के साथ साथ रेट अप डाउन होता रहता है। ये मेरी राइट साइड पे जो है आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहेंगे इन पौधों को? ये पाम है, लिगजेंड्रा पाम है। अच्छा, ये पाम, ये पांडा है, ये पहले चाइना से
बोट हुई है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी, हाँ जी। अच्छा, इसको पांडा कहते हैं? पांडा कहते हैं। अच्छा, अभी हम खुद तैयार कर रहे हैं। सही, इसको पांडा, मेरा ख्याल है इसके पत्तों की वजह से कहा जाता है कि ये बिल्कुल पांडे जैसा जो है ना, ये इसका वो है। अच्छा, गुड गुड गुड। तो अच्छा, अभी आप खुद इसको तैयार कर रहे हैं? खुद तैयार हो रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक आपको नर्सरी ही नर्सरी नज़र आएगी। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो वेदर दिया है, जो लोग दिए हैं, वो बड़ा ही ख़ास वेदर, ख़ास लोग हैं। ख़ासकर अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो अगर आप आते हैं आउट ऑफ कंट्री से या दूसरे जो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दूसरे सूबे से आते हैं, बाइयर आते हैं, तो जब आप पंजाब के अंदर दाखिल होंगे तो ऐसे लगेगा कि पंजाब में ग्रीन मखमली कारपेट बिछा हुआ है। अगर गंदम का सीज़न है तो ऐसा लगेगा कि सोने के कारपेट बिछे हुए हैं। इसी तरह मेरे पाकिस्तान में बाकी जो सूबे हैं उनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट होती है, दरिया हैं, पहाड़ हैं, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। लेकिन जो पंजाब है, इस टाइम हम पंजाब में खड़े हुए हैं और पंजाब की जो प्रोडक्ट है वो मेरी ज़मीन यूट्यूब चैनल आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जनाब प्लांट्स हैं, कैसी कैसी मशीयत को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लाला जी मौजूद हैं और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। आप पत्तों की नर्सरीज़ में आएँ तो खाली लाला जी का नाम पूछें और आप उन तक पहुंच जाएंगे। तो लाला जी, हमें ये बताइएगा ये प्लांट्स, इनके नाम, ये तो मैंने देखे, इंडोर है ये, मॉन्स्टेरिया है। अच्छा, लोकल चलता है ये, इंडोर के लिए है। अच्छा, कितने दिन अंदर आप हम इसको रखते हैं तो मतलब इस ख़राब नहीं होता या हमेशा अंदर ही? अंदर चेंज होता रहे। अच्छा, कितने खराब नहीं होता? कितने दिन के बाद? 20 दिन 30 दिन बाद चेंज हो जाए। कितने दिन हम बाहर रखें इसको? 10-15 दिन बाहर रखें, 10-15 दिन अंदर रखें, इसको कुछ भी, इसको कुछ भी नहीं होता। और पानी इसको नॉर्मल नॉर्मल जरूरत के मुताबिक इसको? ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, हम अब आगे जा रहे हैं और बाकी जो मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं ये हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना ये अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जो बाकी लाजस्टोनिया की हमने छोटी सी लिन खुद तैयार की। अच्छा, लाजस्टोनिया जो अभी नया प्लांट है, नए प्लांट्स हैं वो हमने खुद तैयार की, ये खुद तैयार की है। अच्छा, ये तकरीबन कोई 300 रुपये का अगर कोई ख़रीदना चाहे तो कोई 300 रुपये का जो है ना ये दे देते हैं। लेकिन ये चूँकि होल सेलर हैं और होलसेल पे ही आप इनको, इनसे जो है ना वो आप लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो केज हमने पीछे देखे थे ये तकरीबन ये तैयार हैं? ये तैयार है। ये आप तकरीबन 3500 रुपये का देंगे? ये हम 10,000 रुपये का। ये 10,000 का ये होलसेल में, ये वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला 10,000 का, वो और है वो जो हमने, वो छोटा है, वो छोटा। अच्छा, वो छोटा है, ये 10,000। ये तकरीबन कितने अरसे में ये तैयार हुआ? ये 2 साल में तैयार हुआ। अच्छा, ये 2 साल में, देखे ना जी कि 2 साल की मेहनत के बाद 10,000 कुछ भी नहीं है, 10,000 कुछ भी नहीं है। और बाकी ये है कि बाकी शहरों में जब जाता है तो फिर उनके अपने रेट होते हैं, वो तो रिटेल पे आ जाते हैं। हाँ जी, वो फिर रिटेल है, फिर वो उसके अपने रेट हैं। ये देखें आप, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो दूर तक निगाह में है, फूल खिले हुए, वो वाली बात है। अच्छा, ये वो वाला मीडिया है, कोकोपीट जो है, कोकोपीट जो है, ये जो आपने हमें बताया था जिसके आप गमले भर के इसके अंदर आप लगाते हैं, ये वो वाला मीडिया है, ये श्रीलंका से आया। अच्छा, ये श्रीलंका से आपने इम्पोर्ट किया? इम्पोर्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी हमारी बदकिस्मती है, ये भी नहीं। हालांकि ये देखने में ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आप इसको क्रैश करके तो वो आप इसमें, लेकिन बाकी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता क्या है। ये टोटल, ये खाली कोकोपीट है। अच्छा, ये खाली कोकोपीट है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, बाकी फर्टिलाइज़र तो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्टिलाइज़र आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये अभी भी छोटा माल तैयार हो रहा है, बच्चे अच्छा, तैयार कर रहे हैं, ये वही वाली चीज़ है, वो चीज़ है, बैठे तैयार कर रहे हैं। सही 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 जी, ये बड़ी ख़ास चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये आपने बड़े कपड़े पहनाए हुए हैं इनको, हैं ये पहले नारियल का इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो मैंने बस अपने दिमाग से ये इसको कपड़े पे ले आए हैं। अच्छा, और उससे ये अच्छा चल रहा है और पौधे की सेहत भी देख लें। चाइना में ये इस्तेमाल होता था। अच्छा, मैंने सोचा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। ये कौन सा मटीरियल है? ये आम मटीरियल कपड़ा? हाँ जी। अच्छा, आम कपड़ा है। वाह क्या बात है, आजकल तो बड़ा वो मास्क का भी जो है ना वो चल रहा है, आपने इनको भी मास्क पहना दिया है। और इन्होंने मास्क पहना है तो इनकी जो देखें आप पौधों की सेहत देख लें, इनकी सेहत अच्छी है, वेरी गुड। ये तो जी सलूट है आपको, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं।
हम अब बढ़ रहे हैं जी आगे गुलाब की तरफ। मेरा ख्याल है हम यहाँ पे अगर एक साल तक मुसलसल शूट करते रहें, मुसलसल बात करते रहें, तो शायद वैराइटीज़ जो हैं वो ख़त्म ना हों। और चूंकि हम आते रहेंगे साथ साथ सिलसिला चलता रहेगा, अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले तो मेरा ख्याल है कि ये बाकायदा जैसे फ़िशिंग डिपार्टमेंट है वहाँ भी मसाइल हैं। आपको पता है कि मैं आपको बताता रहता हूँ मुख्तलिफ जो है वो पैकेज बना के हम आपको दिखाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हब है और हम बहुत इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये गुलाब ही गुलाब है, दूर तक गुलाब ही गुलाब है। गुलाब ये आपने जो है वो लगाया हुआ है, तो इसके बारे में हमें आप बताएं कि ये 12 महीने सीजनल होता है। ये हमारा खुशबू वाला गुलाब है। अच्छा, देसी गुलाब जिसको कहते हैं, जैसे गुलकंद भी बनती है। दुबई में इसकी इतनी डिमांड है भी हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, ये तकरीबन को 20,000 पौधा दुबई के लिए तैयार है। 20,000 पौधा, सही, वेरी गुड। और ये ऐसे ही मतलब ये भी उसी मीडिया के अंदर आपने लाइट वेट किया है? ये देखें। अच्छा 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 अच्छा, सही है, ये भी उसी मीडिया में। तो इसको भी पानी मतलब उसी तरह से देना पानी पड़ता है? पानी देते हैं। ठीक है ठीक है, बाकी चीज़ें वो यहाँ से ले लेता है। ठीक है ठीक है, ये देसी गुलाब है जी। अच्छा, बाकी जो कलर होते हैं गुलाब के वो इंग्लिश गुलाब और चीज़ है। अच्छा, अपना लोकल गुलाब देसी खुशबू वाला ये। अच्छा, ये तो वो इससे खाली खूबसूरती के लिए उसको वो करते हैं या वो खूबसूरती के लिए? ज़ाहिर है वहाँ पर तो इतनी वो दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये आपको हमने गुलाब दिखाया, गुलाब की जो है ना वो तकरीबन कुछ 450 किस्में हैं। अबू बकर ने हमें बताया था शुरू में, दुनिया में 1300 से 1400 किस्में हैं। और यहाँ भी वही बात है कि अगर हुकूमत साथ दे तो बहुत आगे जा सकता है। हम कोशिश करेंगे अरबाब अख्तियार तक आपकी बात जो है वो पहुँचे और हम ग्रो करें, जैसे यहाँ पे ग्राफ्टिंग हो रही है उसी तरह हम भी मेहनत करके अपनी जो इंटरव्यूज़ हैं, जो किसानों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, नर्सरी ओनर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, जो हमारी ज़राई आलात की इंडस्ट्री है, उसको हम आगे लेके जाएं, हम आपको दिखाते रहेंगे। हम फिर आगे आ गए जी, वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो हमने शुरू में देखी थी। वो पौधे ये बड़े नज़र आ रहे हैं और बड़े सरसब्ज़ शादाब और फूलों से भरे हुए पौधे जो हैं वो आप देख रहे हैं।